हो रमेश भाई, भावनाबेन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वाह। उसके परिणाम से क्या होता है, जब व्यक्ति संशयग्रस्त हो गया तो क्या करता है, फिर इंपल्सिव डिसीजन लेता है, क्योंकि अपने मन की जो पूर्व धारणा है उसी के अनुरूप निर्णय ले लेता है। श्रद्धा का दीप हमारे जीवन में चले, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, संशय, द्वेष, तिरस्कार का अंधेरा हट जाए। समाज में अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, अच्छे बनना भी चाहते हैं, अच्छा करते भी हैं उनकी अपनी समझ के अनुसार, लेकिन श्रद्धा कहीं पर टूट रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओहो रमेश भाई, भावनाबेन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वाह। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, केम छो बेना आशा, जय श्री कृष्ण, पूजा, जय श्री कृष्ण, मैंने जो ऑर्डर में दिखाई बोली रहो छू, शैला, उदय भाई, जय श्री कृष्ण, हिरेन, जय श्री कृष्ण भाई, आलोक भाई, मधु, मधु है कि नहीं, हाँ मधु, जय श्री कृष्ण, मेरा मुकेश भाई, जय श्री कृष्ण, हर्षाबेन, हर्षाबेन, जय श्री कृष्ण, कौन से रिटर्न टू टॉप नी पाछल कोई छे, अरे ओहो जय श्री कृष्ण, हीराबेन केम छो, जय श्री कृष्ण भाई, कुमुदबेन, जय श्री कृष्ण, अने छेल्ले मनीष भाई, नीलाबेन, जय श्री कृष्ण भाई, चार कॉन्टिनेंट देखाय छे, अमेरिका, यूके अने दुबई। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आत्मीय स्वजनों, आजे श्रावण कृष्ण एकादशी गुजरात राजस्थानी रीते, और ब्रज की परिभाषा में देखें तो कार्तिक कृष्ण एकादशी, जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कल रात को जब तय हुआ कि सत्संग अपना करना है मनीष भाई के साथ, जब तो एक संकल्प मन में आया कि अब जब जब एकादशी में मिलेंगे तो यथा संभव उस एकादशी की महिमा, वर्ष में 24 एकादशी आती है और अधिक महीना रहेगा तो 26 टोटल एकादशी होती है, और प्रत्येक एकादशी की अपनी महिमा होती है। हमारे विविध पुराणों में ये बताया गया है कि प्रत्येक एकादशी की क्या महिमा है, उसकी कथा भी है महात्म्य की, और पुराण जो है वो पूरा अपि नूतनम, प्रत्येक समाज को संबोधन करके कोई पावरफुल मैसेज देने के लिए, जिससे कि वह व्यक्ति का भी कल्याण हो, वो परिवार का भी कल्याण हो और वो समाज का भी कल्याण हो। और पुराण के जो मैसेज है वो सनातन मैसेज है, वो यूनिवर्सल मैसेजेस हैं। आज दिवाली के पहले की जो एकादशी मानी जाती है रमा एकादशी, रमा यूं तो नाम लक्ष्मी का भी है, लेकिन ये रमा एकादशी की कथा हमें ब्रह्मांड पुराण में मिलती है। संक्षेप में मैं कथा बताऊं, यहां पर ये जो संवाद है वह युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में है। युधिष्ठिर आरंभ में प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहाद् जनार्दन, कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। जैसा मैंने कहा ना, ब्रज की जो है वो कार्तिकस्यासि, वो कार्तिक कृष्ण कहते हैं, हम गुजरात में अश्विन कृष्ण एकादशी कहते हैं, लेकिन ये जो एकादशी वो किस नाम से होती है और उसकी क्या महिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नामनी सुशोभना। ये जो एकादशी है, अश्विन कृष्ण हम गुजरात की परिभाषा में कहें, ये जो दिवाली के पहले की एकादशी है वो रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। और उसकी जो कथा है, प्रसंग, और जो महत्वपूर्ण मैसेज इसमें एकादशी में है वो मैं आपको समझाऊं। प्रसंग संक्षेप में कहूंगा, आप सब तो निरंतर सत्संग करते हैं मेरे साथ में, विविध ग्रंथों का करते हैं। मुचुकुंद नाम का एक राजा है और यह राजा बहुत विख्यात है इंद्र, यम, वरुण, कुबेर जैसे, तो इनके मित्र हैं ये राजा के। इवन विभीषण के साथ इसकी मैत्री है। और ये राजा दो शब्द उसके लिए प्रयोग किए हैं कि विष्णु भक्त सत्य संधो बभुव नृपति सदा। वो विष्णु का भक्त था और सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञा वाला था। ऐसा ये राजा निष्कंटक, शत्रु रहित राज्य पर शासन करता था। इस राजा के वहां चंद्रभागा नाम की एक पुत्री है, राजकुमारी है, बड़ी सुंदर है। और राजा ने, मुचुकुंद राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को, चंद्रभागा नाम की नदी भी है, यहां पर वो ब्रह्मांड पुराण में स्पष्टता भी किया है कि चंद्रभागा सरिद्वरा, कि वो एक प्रकार की एक नदी भी है, चंद्रभागा नदी पंढरपुर में है। तो मुझे लगता है कि कथा महाराष्ट्र के पंढरपुर के आसपास होगी। वारकरी संप्रदाय जो होते हैं, महाराष्ट्र के भक्त, वारकरी का अर्थ है भक्त, वो भक्त संप्रदाय, चतुर्मास में ही वे जब भगवान विठलनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो वो कहते हैं, चो ही कड़े चंद्रभागा कैसा ये ऊ पांडुरंगा। हे भगवान पांडुरंग, भगवान विठलनाथ जी, चारों तरफ चंद्रभागा का जल है, मैं कैसे आप तक पहुंचूं। तो ये जो चंद्रभागा नदी भी है वह राजा की पुत्री है, मुचुकुंद राजा की। राजा ने अपनी यह पुत्री का विवाह चंद्रसेन राजा का पुत्र जिसका नाम है शोभन, उसके साथ करवाया है। अब एक बार ऐसा हुआ कि शोभन अपने ससुराल गया है, स्वाभाविक है चंद्रभागा वही होगी तभी तो गया, नहीं तो चंद्रभागा घर पे होगी तो वो जमाई क्यों जाता अपने ससुराल। तो चंद्रभागा वहीं पर है और वह दिन एकादशी का था। अब एकादशी के दिन जब शोभन आया, देखा चंद्रभागा ने आया है, तो चंद्रभागा को बड़ा टेंशन हो गया। इतनी शोभन पूछ रहा है उसे, क्या हुआ, तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, क्यों तुझे चिंता हुई, मैं कोई गलत समय पे आ गया? कहती नहीं नहीं आप जब भी आओ, कोई वो नहीं है, लेकिन बोल नहीं रही है। शोभन ने कहा बताओ क्या है, चिंता मत करो, जो भी कुछ होगा रास्ता निकालेंगे। चंद्रभागा ने कहा कि आज एकादशी का दिन है और मैं जानती हूं आप कोई व्रत नहीं रखते, आपका स्वास्थ्य ऐसा है, आपका शरीर ऐसा है, आपकी तबीयत ऐसी रहती है कि आप उपवास नहीं रख सकते, प्यासे नहीं रह सकते। और मेरे पिताजी का नियम है कि एकादशी के दिन सभी को राज्य में एकादशी करनी है, उपवास रखना है, इट्स अ रूल। तो दशमी के शाम को ही ढोल बज जाता है कि एकादशी का व्रत है, सबको रखना है। यहां लिखा है कि इवन जो क्या कहते हैं पशु हैं वो भी नहीं खा सकते। गजई रश्वई तथा चौष्ट्रई रन्यई पशु भी रे वच। राज्य में गज अर्थात हाथी, अश्व, घोड़े, उष्ट्र, ऊंट, ये लोग भी, उनको भी घास नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, अरे उनको पानी भी नहीं मिलता। मेरे पिताजी जो हैं वो उनका इतना, मुचुकुंद का इतना वो है कि किसी को भी पशु भी नहीं करते, उस दिन भोजन नहीं करते, उपवास रखते हैं, तो फिर मनुष्य को तो रखना ही चाहिए। और आप तो रख नहीं सकते हो, भूखे नहीं रह सकते हो, प्यासे नहीं रह सकते हो, क्या होगा, मेरे पिताजी क्रोधित होंगे, ये होगा। अब जैसे ही वो डंडेरा
ढोल पीटा गया तो शोभन ने कहा चंद्रभागा से कि इसका कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। तो चंद्रभागा ने कहा एक उपाय तो यह है कि भोजन यदि तुम करना चाहते हो तो तुम्हें एक घर की महल की बात छोड़ो, राज्य में भी नहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें राज्य छोड़कर निकल जाना पड़ेगा। और दूसरा यह है कि इसलिए आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, चंद्रभागा कहती है यदि त्वं भोक्ष्यसे कांत ततो गेहात प्रयास्यताम। हे कांत, हे प्रियतम पति, यदि आप भोजन करना चाहते हो तो फिर जल्दी से आप यहां से निकल जाओ। एवं विचार्य मनसा सुदृढ़ मानसम कुरु। या दूसरा एक उपाय यह है कि अपने मन को दृढ़ करके, सुदृढ़ मानसम कुरु, मन को दृढ़ कर लो और यह व्रत रख लो। शोभन ने कहा चंद्रभागा से कि प्रिय, तुम्हारी बात मैं मानता हूं, अभी तक एकादशी नहीं की, अभी तक जीवन में कोई व्रत नहीं रखा, इसका अर्थ तो यह नहीं होता कि मैं कभी भी नहीं रख सकता, आज से ही चलो शुरू कर देता हूं। तो तूने सत्य कहा, मैं आज उपवास रखता हूं, जो भी होना होगा होगा। एकादशी का उपवास किया, भोजन भी नहीं, जल भी नहीं, कुछ नहीं। संध्या समय हुआ, संध्या के बाद जब रात हुई तो ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वैष्णवानाम नराणांसा निशा हर्ष विवर्धिनी। एकादशी की रात्रि जब होती है ना, हम ये जैसे सत्संग कर रहे हैं ऐसे सत्संग होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, ये आवश्यक है, तो हमारे ये सही रूप में एकादशी हो रही है। तो जैसे ही वहां नगर में शाम हुई तो जो वैष्णव लोग थे, एकादशी करने वाले थे, वो तो सब सत्संग करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। रात हुई, रात में वो जागरण करना होता है। हरि पूजा रतानांच जागरता जागरा सक्त चेतसा। उनको तो जागरण भी एकादशी का है, वो तो आसक्त चेतसा, भगवान में जिनका मन लगा हुआ है उनके लिए तो हर्षवर्धिनी रात्रि शुरू, उनको आनंद भरने लगा। लेकिन बभूव नृप शार्दूल शोभन स्याति दुखदा। ये शोभन के लिए ये रात्रि, दिन तो उसने पता नहीं कैसे निकाला, लेकिन ये रात्रि जब हुई तो दुखदा, अति दुखदा, उसको बहुत समस्या होने लगी। आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, मैंने सुना है लोग ऐसा कहते हैं रात के 12 बजे तो फिर खाना खा सकते हैं। प्रिय स्वजनों, एकादशी का रात के 12 बजे के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारी तिथियां मिडनाइट को चेंज नहीं होती, डेट जो है जोडियक कैलेंडर की वो बदलती है। एकादशी तो अगले दिन की सूर्यास्त से लेकर के फिर नेक्स्ट डे सूर्योदय तक चलती है मिनिमम। लेकिन यहां तो इसकी तो रात हुई, खाना नहीं है, भोजन नहीं है, प्रसाद पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना है। हुआ ये रवे हृदय वेलायाम शोभन पंचतांगत। सूर्योदय होने का जो समय था उस समय ये शोभन की मृत्यु हो गई, भूख से प्यास से जी नहीं सका, शोक का तो वातावरण था। राजा मुचुकुंद ने अपने जमाई का, एक राजा के योग्य, अग्नि संस्कार किया। पत्नी चंद्रभागा भी पति के साथ संसार छोड़ने को तैयार हुई, लेकिन पिता मुचुकुंद ने अपनी पुत्री को रोक रखा कि नहीं बेटा। तो चंद्रभागा अपने पिता के घर रह रही है। समय बीता, अब लिखा है ग्रंथ में कि शोभन ने एकादशी का व्रत किया था और ये व्रत करते करते उसने प्राण छोड़े थे। जब उसके प्राण गए तब वो एकादशी व्रत में था, दीक्षित था उस समय व्रत में। जो उसका जन्म हुआ उस समय, उसको मंदर पर्वत के शिखर पर देवताओं के जैसे एक सुंदर नगर का वो राजा बना।
वर्णन है 4-5 श्लोकों में कि उसका नगर कैसा था, बहुत संपत्ति थी, बहुत कुछ था, उसका सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ था, एक्सट्रीमली वेल्दी, एक्सट्रीमली पावरफुल, ऐसा ये शोभन का जो राज्य था, इंद्र के समान वो सुख भुगत रहा है। अप्सराएं उसकी सेवा करती हैं, गंधर्व वो चामर लगा रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, ये सब बहुत सुंदर था। एक दिन सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण यात्रा करते करते वहां पहुंचा। जैसे ही, और ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, जैसे उसकी दृष्टि पड़ी ये शोभन पर, तुरंत उसको ख्याल आ गया कि ये तो मुचकुंद राजा का जमाता है, जमाई है वो। तो उसने जाकर के, जैसे ही वो गया, शोभन भी संस्कारी था, तुरंत सिंहासन पर से उठ गया। वो कैसे विद्वान तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं, तो आदर पूर्वक उसने ब्राह्मण का स्वागत भी किया, प्रणाम किया। और सोम शर्मा नाम के इस ब्राह्मण ने बताया कि तुम पिछले जन्म में ये थे और शोभन थे, तो याद आ गया उसको। तुरंत उसने पूछा कि मेरी पत्नी कैसी है, मेरे ससुर जी मुचकुंद जी कैसे हैं। उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, चंद्रभागा भी कुशल है सब। शोभन ने देखा कि ये ब्राह्मण इतना ज्ञानी है, इतना तेजस्वी है, जो मेरे पिछले जन्म को भी देख सकता है। तो शोभन ने एक प्रश्न पूछा है कि मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या है? ये राज्य तो सुंदर मुझे प्राप्त हुआ एकादशी के व्रत के प्रभाव से, लेकिन मुझे पता है कि ये अस्थिर राज्य है। अब देखिए प्रिय स्वजनों, यहां पर जो ये कथा का महत्वपूर्ण मैसेज है वो आ रहा है। मैं जानता हूं कि मेरा राज्य अस्थिर है, ये स्थिर हो ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताइए। क्यों अस्थिर है? शोभन कहता है, वो जानता है, मयई तद विहितम विप्र श्रद्धाहीनम व्रतोत्तमम तेनेदम ध्रुवम मन्ये ध्रुवम भवति तच्छ्रुण। मैंने एकादशी का व्रत तो किया लेकिन श्रद्धा से नहीं किया था, मेरी पत्नी के कहने पर मैंने कर दिया व्रत। व्रत किया, इसके परिणाम स्वरूप मुझे ये राज्य मिला, इतनी संपत्ति मिली, सत्ता मिली, लेकिन मैंने श्रद्धा से नहीं किया था, मेरी श्रद्धा में कमी पड़ गई थी, इसके कारण मेरा जो ये राज्य है वो अस्थिर है, मेरी संपत्ति मेरी सत्ता अस्थिर है। वो स्थिर कैसे होगी? मेरी श्रद्धा जो कम पड़ गई वहां पर, तो अब एक ही हो सकता है, मेरे ससुर चंद्रभागा जी की जो पुत्री है, मेरे ससुर मुचकुंद की जो पुत्री है, मेरी पत्नी चंद्रभागा, वो जानती है उपाय, आप उससे ये पूछना। सोम शर्मा ब्राह्मण वहां गए हैं, समाचार बताए पूरे की ऐसा सुंदर राज्य है, उसके राजा हैं तुम्हारे पति। अब प्रिय स्वजनों, थोड़ी टाइमलाइन भी आप देख लेना कि वो शरीर छोड़ा, उसके बाद दूसरा जन्म हुआ, दूसरे जन्म में राजा बने, तो कम से कम 20-25 वर्ष का, सामान्य बुद्धि से भी हम देखें मिनिमम 25 साल का फर्क तो पड़ गया होगा। शोभन 25 वर्ष का युवान है, लेकिन चंद्रभागा तो 25 वर्ष बड़ी हो गई, तो अब यूं देखो तो चंद्रभागा शोभन के माता की उम्र की हो गई होगी। उसने जब सुना सोम शर्मा ब्राह्मण के पास से ये, तो पूछती है चंद्रभागा कि आप जो कह रहे हो, प्रत्यक्षम अथवा स्वप्नस्त्वयै तत् कथ्यते द्विज, हे ब्राह्मण आप जो ये कह रहे हो ये सत्य है ये क्या स्वप्नवत, आपने कोई सपने में ऐसा देखा और मेरे सामने आके बात कर रहे हो? सोम शर्मा ब्राह्मण कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष देखा है। प्रत्यक्षम पुत्रिते कांतो मया दृष्टो महावने, हे पुत्री प्रत्यक्ष मैंने तेरे पति को देखा है, चल मुझे तुम्हें तुझे ले जाऊं। और
उसने कहा है कि तेरे पास आकर मैं ये बात कहूं कि उसके पास राज्य तो है लेकिन अध्रुवम तेन तत्प्रोक्तम ध्रुवम भवति तत्कुरु। शोभन ने कहा है कि तेरे पास उपाय है, उसका जो राज्य अध्रुव है अस्थिर है वो स्थिर कैसे होगा वो तुझे बताना है। प्रिय स्वजनों, चंद्रभागा को लेकर के ये ब्राह्मण आए हैं। पर्वत की शिखर पे उसका नगर था, तो नीचे एक आश्रम है वामदेव ऋषि का, उनसे मिले और बताया कि इस कार्य के लिए हम जा रहे हैं। वामदेव ऋषि ने कुछ मंत्रोच्चार कर, ये सभी के पीछे रहस्य है प्रिय सुजनों, हमारे पास समय की कमी है इसलिए, वामदेव ऋषि ने कुछ मंत्रोच्चार करके उसके ऊपर प्रोक्षण किया, तो यहां पर प्रतीकात्मक रूप में लिखा है कि चंद्रभागा को नया देह प्राप्त हुआ है। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से, ऋषि की वाणी से उसका शरीर अलौकिक हो गया और वो दिव्य गति को पाती है और फिर मानो उसका एक नया शरीर प्राप्त हुआ है। ये श्लोक है, दिव्य देहा बभूवासौ दिव्यां गतिम अवाप। नया वो शरीर लेकर के अलौकिक देह धारण करके वो आई, पहचाना, शोभन ने भी उसको पहचान लिया है, अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और वहां जो चंद्रभागा ने कहा था ब्राह्मण से, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है कि आवय और द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु। हे सोम शर्मा जी, वहां जब सोम शर्मा समाचार लेके आए हैं चंद्रभागा के नगर में, तब कहा कि यदि आपने जो आंखों से देखा है ये दृश्य और मेरे पति को देखा है तो मुझे ले जाओ, क्योंकि मैं उनके विरह में हूं। मैं अपने व्रत के प्रभाव से, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से उनके राज्य को स्थिर करूंगी, लेकिन पहले उसके लिए आवश्यक है कि हम दोनों का मिलन कराइए। आवयोर द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु, जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि प्राप्यते ही महत् पुण्यम कृते योगे विमुक्तयो हो, जो वियोग में झूठ रहे हो। प्रिय स्वजनों, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति एक सप्ताह के लिए भी, 7 दिन के लिए भी कहीं बाहर जाए ना, तो तुरंत हम 4th-5th दिन से कहने लगते हैं वापस आ जाओ ना, आपके सिवा अच्छा नहीं लगता, आपके बिना अच्छा नहीं लगता, घर खावा दौड़े छे, एकलू एकलू लागे छे। तो इतने वर्षों तक कोई विरही व्यक्ति हो, और एक बात याद रखना प्रिय स्वजनों, हम सब मनुष्य हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। व्यक्ति को व्यक्ति की आवश्यकता होती है, मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता होती है, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, सत्ता हो, कुछ भी प्रतिष्ठा हो, व्यक्ति को अपना व्यक्ति कोई चाहिए। अकेला रहना यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो यहां पर चंद्रभागा कहती है कि मुझे मेरा स्वजन चाहिए, मेरा अपना व्यक्ति मुझे चाहिए, उसके साथ मिला लो, क्योंकि वियोगियों को युक्त करना, किसी को अपनापन दिलाना, ये उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। अब यहां जब पहुंची है शोभन के पास, तो उसने कहा, मैं जब 8 वर्ष की थी तब से शृणु कांत हितम वाक्यम यत् पुण्यम विद्यते मई, 8 वर्षाधिका जाता यदा हम पितृवेश्मनि। मेरे पिताजी के घर में मैं 8 वर्ष की थी तब से एकादशी का व्रत करती हूं, और वो कैसे करती हूं, यथोक्त विधि संयुक्तम श्रद्धा युक्ते न चेतसा, विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मैं एकादशी का व्रत करती हूं, और मेरा जो ये पुण्य है मैं आपको प्रदान करती हूं। वो पुण्य प्रदान किया, उससे कहा, तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति पुरम ध्रुवम, तो आपका जो नगर है वो स्थिर बनेगा, आपकी संपत्ति, आपकी सत्ता स्थिर होगी, और सर्व काम समृद्धंच यावदा भूत संप्लवम। दोनों ने साथ में मिलकर, साथ में रह करके बहुत लंबे समय तक विहार किया, दिव्य भोग का उपयोग किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं समापन करते समय कि राजन, ये रमा एकादशी जो है, ईदृशं च व्रतम राजन ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः
ब्रह्म हत्यादि पापानी नाशम यान्ति न संशयः। ये रमा एकादशी का व्रत जो करता है उसको ब्रह्म हत्या का पाप भी हो वो भी दूर हो जाता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, ये रमा एकादशी के व्रत का महात्म्य जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके भी ब्रह्म हत्यादि पाप जो होते हैं वो दूर होते हैं और वो वैकुंठ में उसका सम्मान होता है। ऐसे ये पूर्व। अब प्रिय स्वजनों, संक्षेप में क्या समझना है इससे, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जहां जैसे व्रत किया था राजा ने, सब लोग, हम सभी लोग, समाज के सभी लोग कोई ना कोई व्रत करते हैं, कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं। केवल एकादशी का उपवास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ना कोई व्रत, वी वॉन्ट टू बी गुड, जीवन में कुछ अच्छा पढ़ते हैं, जप करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम अच्छा रहने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह है कि हमारा श्रद्धा तत्व कैसा है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना अच्छा करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, कितना हम अच्छे करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? Why there are rough times? Why there are challenges? Why there are adversities? क्यों आता है ये सब? इसका कारण यह है प्रिय स्वजनों, जो हम करते हैं वो श्रद्धा से कर रहे हैं। पहली बात, यदि श्रद्धा की कमी होगी तो देखिए, यहां शोभन को राज्य मिला, संपत्ति मिली, फिर भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसकी बनी रही कि यह स्थिर नहीं है, यह स्थिर नहीं है, वो स्थिर कब आए। और कई लोगों के जीवन में देखो वही चैलेंजेस आएगी, वही एडवर्सिटी आएगी, लेकिन मन से इतने मजबूत होते हैं, मन से इतने दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या भी उनको विचलित नहीं कर सकती। कौन सा फर्क है? अंतर जो है वो बड़ा स्पष्ट है प्रिय स्वजनों, श्रद्धा तत्व का। समाज में अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, अच्छे बनना भी चाहते हैं, अच्छा करते भी हैं उनकी अपनी समझ के अनुसार, लेकिन श्रद्धा कहीं पर टूट रही है। श्रद्धा जब ठीक ना हो, योग्य ना हो, तो बहुत बड़ी। और श्रद्धा के बाधक कौन है, श्रद्धा के शत्रु कौन है, श्रद्धा के मार्ग में विघ्न क्या बनता है? चार बातें भगवत गीता के आधार पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली, श्रद्धा की शत्रु यदि कोई होगी तो है विपरीत बुद्धि, कुबुद्धि। कुबुद्धि कुतर्क करती है, गलत लॉजिक पे जाती है। कुबुद्धि की नींव में होता है अहंकार प्रिय स्वजनों, ईगो। क्योंकि देखिए, मैंने कहा यह व्यक्ति अच्छा तो है, अच्छा बनना भी चाहता है, कुछ जप किए हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ व्रत किया है, कुछ दान किया है, कुछ सेवा की है। अब उसकी वजह से होता क्या, मैंने कई बार प्रवचन में, आप सब तो नियमित मेरा प्रवचन सुनते हो, आपको पता है मैंने कई बार इसका संदर्भ लिया है, पायस ईगो। एक प्रकार का व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। और वो जो, क्योंकि मुझे इतना आता है, दूसरे लोग तो ये भी नहीं करते, हम तो इतना कर रहे हैं, और ये जो अहंकार आता है वो पायस ईगो, वेस्टर्न फिलोसोफर्स ये शब्द प्रयोग करते हैं, ये पायस ईगो, आई एम बेटर देन अदर्स। और ये कीड़ा कहो इसको, ये बीमारी कहो, एक बार जब घुस जाती है ना, तो पायस ईगो के कारण दूसरी तुरंत एक बीमारी शुरू हो जाती है, सिम्टम्स आने लगते हैं कि वो दूसरों का द्वेष करने लगता है, दूसरों के प्रति तिरस्कार करता है, या तो दूसरों की ईर्ष्या करने लगता है, पायस ईगो के कारण। कई बार आपने देखा हमारी पूजा तो सबसे श्रेष्ठ है, आप लोग क्या पूजा करते हो, अरे हम जो जब हमारी पूजा तो 2 घंटे चलती है, आप तो 15 मिनट में पूरा कर देते। ये देखो पायस ईगो, हम तो पूजा में केवल घर की सामग्री ही बनाते हैं, घर में मिठाई बना के भगवान के सामने, बाजार से नहीं लाते, पायसी हो।
हम इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, हमारे जैसे उच्चार स्पष्ट किसी के नहीं होते, बाकी को क्या आता है? पायस ईगो। हम तो एकादशी करते हैं तो उसमें हल्दी भी नहीं, लोगों में ऐसा होता है ना कुछ, हल्दी नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, तुम तो ये खाते हो एकादशी में, ऐसे कभी हो सकता है? मजाक में मैं कई बार करता हूं, एकादशी में दूधी खवाए एक नौ खवाए, हम तो लौकी नहीं खाते दूधी में, तुम दूधी खा के एकादशी करते हो, तुम्हारी एकादशी क्या है? पायस ईगो। और ये पायस ईगो के कारण प्रिय स्वजनों, ये अहंकार के कारण व्यक्ति जजमेंटल बन जाता है, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ, और फिर वो सभी का न्याय करने लगता है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए। और ये प्रक्रिया में प्रिय स्वजनों व्यक्ति जानते हुए अनजाने में दूसरों को अन्याय करने लगता है। हमेशा मैंने कहा हम होते कौन हैं दूसरों पर निर्णय करने वाले, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, इसने योग्य किया, इसने अयोग्य किया, हु आर वी टू एग्जामिन अदर्स? यह अधिकार हमको दिया किसने? हम क्यों जज की कुर्सी पर बैठ जाते हैं? हमने सामने वाले पर कभी सोचा, यदि जो आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है वो क्यों कर रहा है? अच्छा उसके मन में गलत करने का भाव है या नहीं है? सामने वाले की भावना शुद्ध भी हो सकती है, लेकिन ये जो पायस ईगो इसके मन में आ गया ना, दूसरे जो ईगो, सौंदर्य का ईगो हो, संपत्ति का ईगो हो, सत्ता का अहंकार हो, ये तो हट भी सकता है क्योंकि वो मानता है कि मेरा सौंदर्य आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन ये पायस ईगो तो ऐसा है, अरे मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं, हमारे जैसा अच्छा कोई नहीं है, इसलिए फिर दूसरों के अन्याय करने लगता है, द्वेष करने लगता है, तिरस्कार करने, जजमेंटल बन, बिना समझे, बिना सामने वाले की परिस्थिति को समझे, बिना सामने वाले की मनस्थिति को समझे। हमने पूर्वधारणा बांध ली, लेकिन सामने वाले के मन में कुछ है कि नहीं ऐसा, उसके मन में कोई कुछ भी ना हो यह भी संभव है। एक बात तो है ना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं दूसरे में जो दोष तुम्हें दिखाई पड़ते हैं वो दोष उस व्यक्ति में हो या न हो देखने वाले के मन में अवश्य है। कामुक दृष्टि यदि होगी, एक बालक है उसको कोई कामुक दृष्टि नहीं, उसको है ही नहीं क्योंकि उसके मन में ही कामना नहीं है। अब जो व्यक्ति देखता है कामुक, तो उसके मन में तो उसको पता है ना कि बीमारी है। जिसके दोष तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं उस व्यक्ति में दोष हो न हो देखने वाले के मन में वो दोष अवश्य होता है, और वो अपने दोष सामने वाले व्यक्ति पर प्रोजेक्ट करता है। ये पहला जो श्रद्धा के मार्ग में व्यवधान आता है, श्रद्धा के मार्ग में जो विघ्न आता है, ये पहला। दूसरा, इससे क्या होता है फिर? संशय निर्माण होता है। मैं बहुत छोटा सा दृष्टांत दूं, समय होने आया, लेकिन मैं छोटा सा दृष्टांत दूं। हमारी संतान, हमारे बालक धीरे धीरे जब बड़े छोटे होते हैं ना, तो उनको पूरी श्रद्धा होती है, मम्मी जहां ले जाएगी वो सही होगा, पापा जहां ले जाएंगे वो सही होगा। वो कभी पूछता नहीं कि मुझे यहां क्यों लाए, क्यों जा रहे हैं, वो जहां जाते हैं वो सही होता है ना, पूर्ण श्रद्धा है। आप सभी पेरेंट्स हैं, आप सभी दादा दादी बने हैं, नाना नानी बने हैं, आपको अनुभव है ये, या समाज में आपने देखा होगा। बालक जब छोटा है पूर्ण श्रद्धा है, फिर जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बालक को ऐसा लगता है कि मैं सोच सकता हूं, मुझे पता चलता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है। और जब बुद्धि विकसित होती है तो क्या करता है वो? माता पिता के प्रति प्रश्न निर्माण करता है। और थोड़ा जब बड़ा हो जाता है टीनेजर, तब तो पापा आपको पता नहीं चलता, मम्मी आपको पता नहीं चलता। क्या मम्मी पापा को पता नहीं चलता? क्या पापा को पता नहीं चलता? क्या पापा का जमाना चला गया, पापा को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं? अनुभव, यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आपको ऐसे अनुभव ना हो, लेकिन देखे होंगे हमारी ही संतान जो हमारे आंखों के सामने बड़े हुए हैं, वे हमारे दोष निकालने लगते हैं। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिसको सिखाया था हमने चलने का, वो हमें दाएं बाएं करने लगे। अब हमें सिखाने लगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते ऐसा। साधना के पक्ष में भी, अध्यात्म के मार्ग में भी ऐसा होता है कि साधक
जब थोड़ा विकास करता है तो एक्चुअली तो ये उसको पुष्ट करने वाली बात होनी चाहिए कि मेरा विकास हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा विकास हुआ उसमें जो अहंकार आ जाता है, ये जजमेंटल बन जाता है, फिर वो साधक सबका जजमेंट करने लगता है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, इसने ये गलत किया, उसने वो, अरे भाई हम होते कौन हैं। और समस्या तो तब आती है जैसे बालक अपने पिता का दोष निकालता है, बालक अपनी माता का, दादा दादी का दोष निकालता है, ऐसे साधना के मार्ग पर जिसका हाथ पकड़ के चले थे उसी के दोष निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अहंकार जो आता है पायस ईगो, उसको लगता है मुझे सब पता चलने लगा अभी। ये अधःपतन की निशानी है, अध्यात्म के मार्ग पर ये बहुत बड़ा विघ्न, उससे फिर संशय निर्माण होता है क्योंकि अपनी दृष्टि से सब देखता है। और भगवद गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अग्नश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञ हो, अज्ञानी हो, या अश्रद्धा जिसमें आ गई, ये सत्कर्म के अहंकार की वजह से जिसमें अश्रद्धा आ गई, जजमेंटल बनने गया व्यक्ति, संशय आ गया उसको, इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, उसके जीवन में ये चलता होगा, उसके जीवन में ऐसा चलता होगा, ये जब संशय आया, अब देखा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये उसके अधःपतन की निशानी। इसीलिए जब लोग कहते हैं ना कि अच्छे मार्ग पर चल के भी विघ्न क्यों आते हैं, ये कारण होता है। उसके परिणाम से क्या होता है, जब व्यक्ति संशयग्रस्त हो गया तो क्या करता है, फिर इंपल्सिव डिसीजन लेता है, क्योंकि अपने मन की जो पूर्वधारणा है उसी के अनुरूप निर्णय ले लेता है, और वह निर्णय से उसके जीवन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। और बीमारी फैलती कब है, जो नेगेटिविटी उसमें आई वो नेगेटिविटी दूसरों में भी डालता है। मजाक में मैंने कई बार प्रसंगों में कहा है, ये लोग वायरस का काम करते हैं, दूसरों के मुंह में कानाफूसी करके, तुझे पता है कुछ ऐसा, अरे हम तो कभी नहीं करेंगे, अच्छा ऐसा है, सब बीमार लोग एक वार्ड में बैठे हुए जैसे चर्चा कर रहे हैं, ये बीमारी का परिणाम, जीवन में आध्यात्मिक विकास में कमी आ जाती है। प्रिय स्वजनों, समय की मर्यादा है, केवल इतना कहूं आज कि श्रद्धा ये परम बल है। आप सभी को भगवद गीता का 12वां अध्याय पता है, भक्ति योग, जिसमें अर्जुन ने जब पहले श्लोक में प्रश्न पूछा कि प्रभु आपको कौन से भक्त अति प्रिय हैं, तो 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामता परया श्रद्धया उपेता। परम श्रद्धा जिसके पास है, ऐसे जो भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ईश्वर को कौन पा सकता है प्रिय स्वजन। फिर देखो 12वें अध्याय के अगले, उसमें कई बार आता है, अहंकार न करें, निंदा न करें, द्वेष न करें, ईर्ष्या न करें, वो सारे जो 36 गुण बताए हैं उसमें सारी बात है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहला ही बताया, प्राणी मात्र के प्रति अद्वेष्टा, वो बुरा है, ये अच्छा है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये गलत है, उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं, ये द्वेष आ गया, कैसी भक्ति। श्रद्धा टूटी तो दोष आना शुरू हो जाएंगे, और श्रद्धा दृढ़ होगी तो द्वेष दिखेगा ही नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। तो प्रिय स्वजनों, ये परया श्रद्धया भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, परम श्रद्धा, वो हमारे भीतर जागृत हो, हम भगवान के प्रिय बने, युक्त तमामतः, भगवान जो कहते हैं भगवान के प्रिय बने। दीपावली आ रही है, तो ये दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान के चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करें, प्रभु श्रद्धा का दीप हमारे जीवन में चले, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, संशय, द्वेष, तिरस्कार का अंधेरा हट जाए, परमात्मा की, कृष्ण की कृपा बरसती रहे, ताकि जीवन में धनत्रयोदशी, धनवंतरी भी है और लक्ष्मी भी है, तो आरोग्य भी प्राप्त हो, संपत्ति भी प्राप्त हो,
काली की शक्ति प्राप्त हो, माँ शारदा सरस्वती की विद्या बुद्धि प्राप्त हो और आने वाला वर्ष हम सभी के लिए अत्यंत मंगलमय हो। लौकिक दृष्टि से तो हो ही, क्योंकि उसके लिए तो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी जो साधना है उसके मार्ग में से सारे विघ्न दूर होते जाएं और साधना के मार्ग पर हमें गति सुगति प्राप्त हो, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए पुनश्च आप सभी को दीपावली की मंगल कामना करते हुए आज की एकादशी के व्रत का यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत जो महात्म्य बताया है उसको वंदन करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।